ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़ी कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है। ज्ञानवापी सर्वे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। वहीं ओवैसी ने कहा कि वो ज्ञानवापी सर्वे का विरोध करते हैं। जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कम्प्लीटली इलीगल है। जो कम्प्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई, मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कम्प्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर महाराष्ट्र के मारेगांव में SDPI संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। संगठन का कहना है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का मजाक उड़ाया गया, केवल वजू खाने को शिवलिंग कहा गया है और सील कर दिया गया, मस्जिद में प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है। SDPI का कहना है कि जो मस्जिद है वो वही रहेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।